हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग से रिलेटेड जो भी हमको जानना होगा वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। लर्निंग का मतलब होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे लर्निंग क्या होता है। लर्निंग का मतलब होता है नए ज्ञान को अर्जित करना, दैट मीन्स एक्वायरिंग अ न्यू नॉलेज। नए ज्ञान को अर्जित करना, कोई भी नई चीज़ जो हम डेली रूटीन में सीखते हैं उसको हम बोलते हैं लर्निंग। पुरानी जो सीखी हुई चीज़ है उसको हम मेमोरी बोलते हैं, लेकिन नई जो चीज़ हम डेली सीख रहे हैं उसको हम बोलते हैं लर्निंग। तो लर्निंग के लिए हमको कुछ नियमों का, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो लर्निंग के नियम क्या होते हैं तो हम देखते हैं लॉज ऑफ लर्निंग, कौन कौन से नियम होते हैं। पहला नियम होता है लर्निंग का रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब होता है तैयार रहना, हमेशा तत्पर रहना। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। जब तक हम किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे हम उस चीज़ के बारे में सीख नहीं पाएंगे, उस नॉलेज को हम लोग अर्जित नहीं कर पाएंगे। दूसरा नियम होता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, मतलब हमको लगातार अभ्यास, सतत अभ्यास करता रहना पड़ेगा तब हम किसी चीज़ को लर्न करेंगे। मतलब हम लोगों को किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उस चीज़ के बारे में लगातार उस चीज़ का नॉलेज लेना पड़ेगा। एक ही चीज़ को कंटिन्यू हमको कई बार सीखना पड़ेगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा, तब हम उस चीज़ को सीख पाते हैं। थर्ड रूल होता है रूल ऑफ अफेक्ट, लॉ ऑफ अफेक्ट मतलब प्रभाव का नियम। लर्निंग को सीखने के लिए हमको प्रभाव का नियम भी फॉलो करना पड़ता है। पहले तैयार होना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर हमको उस चीज़ के ऊपर प्रभाव छोड़ना पड़ता है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं उस चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है तो हम उस चीज़ को नहीं सीख पाते, उस ज्ञान को नहीं समझ पाते, उस बात को नहीं समझ पाते। तो ये लर्निंग के तीन नियम हमारे सामने हैं। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट लर्निंग के टाइप्स। तो लर्निंग तीन टाइप्स का होता है। फर्स्ट है मोटर लर्निंग, सेकंड है वर्बल लर्निंग, थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। फर्स्ट देखेंगे मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी को करना, दैट मीन्स मूवमेंट करना, किसी भी काम को कर करके सीखना, उसको बोलते हैं मोटर लर्निंग। किसी भी काम को करके सीखना, जैसे बच्चे जब चलना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हैं, पहले हाथ के बल चलते हैं, फिर धीरे धीरे पैर के बल चलते हैं, दीवार के सहारे चलना स्टार्ट करते हैं, फिर दीवार को छोड़ करके इंडिपेंडेंट होकर चलते हैं। इस तरीके से होता है मोटर लर्निंग। जैसे हम किसी काम को करते हैं तो वो मोटर लर्निंग के अंदर में आता है। वर्बल लर्निंग का मतलब होता है बोलकर सीखना, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू हम बोलते रहते हैं, जैसे स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, या जैसे हम किसी भी और भी लैंग्वेज को हम सीखने की कोशिश करते हैं तो उस लैंग्वेज को बार बार हम लोग बोलते हैं, समझते हैं और हम लोग उसको रिपीट करते रहते हैं, उससे हम सीखते हैं, उसको बोलते हैं वर्बल लर्निंग। थर्ड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो डेली लाइफ में हम लोग फॉलो करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसका मतलब होता है कोई भी समस्या हमारे सामने जब उत्पन्न होती है तब हम उस समस्या से किस तरीके से निकलते हैं, उससे निकलने के बाद में हम सीख जाते हैं कि उस समस्या को अगली बार कैसे सॉल्व करना है। एग्जांपल के लिए, जैसे अगर आपको कोई स्किन डिसीज होती है तो आप स्किन डिसीज में क्या करते हैं, एक बार आप उसको सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाने के बाद में अलग अलग डॉक्टर अलग अलग दवाइयाँ देते हैं, सारी मेडिसिन आप लेने के बाद में लास्ट में आप पूरा तरीके से स्किन डिसीज़ को क्योर कर लेते हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। तब आप अगली बार जब आपका कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार जब आपसे पूछता है कि इस बीमारी में किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना है तो आपको इस बारे में सारा नॉलेज होता है, आपको पता होता है कि कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव ज़्यादा है, कौन सी कम इफेक्टिव है, कौन सी बिना इफेक्टिव है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीख सकते हैं। ये हमारे लर्निंग के टाइप्स है। इसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स है जो अफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं लर्निंग में, मतलब सीखने में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक। तो सबसे पहला हमारा कारक होता है हम खुद, फर्स्ट फिजिकल फैक्टर में क्या आता है, फर्स्ट आता है इंटरेस्ट। अगर हमारी इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, किसी चीज़ को सीखने में हम रुचि नहीं है, उस चीज़ में हम ध्यान नहीं लगा रहे हैं तो फिर उस चीज़ को हम बिल्कुल नहीं सीख पाते हैं। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर हो गया हमारा नॉलेज। अगर हमको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, हमको ये नहीं पता कि हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे कौन से सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग उस नॉलेज को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। थर्ड फैक्टर जो होता है वो होता है डिसीज कंडीशन। अगर हमको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है या कोई डिसीज़ है, जैसे किडनी डिसीज़, पेट दर्द, सर दर्द या
हाथ में दर्द, पैर में दर्द या और भी कोई अगर हमको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोग कंफर्टेबल नहीं है तो हम लोग नहीं सीख पाते हैं। फोर्थ है एंजाइटी, एंजाइटी, या फिफ्थ है डिप्रेशन। अगर हमको किसी भी तरह की बेचैनी या अवसाद की अवस्था अगर हमको है तो हम ऐसी कंडीशन में किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं होते। हमारा माइंड उस चीज़ को रीड नहीं कर पाता, उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाता है और हम लोगों को सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सारे फिजिकल फैक्टर्स है जो हमको सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। सेकंड है फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो बाहर से हमको प्रभावित करती है किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो एनवायरमेंटल फैक्टर फर्स्ट होगा नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन का मतलब होता है पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण। किसी भी चीज़ में अगर हम कोई बात सीखना चाहते हैं, कुछ क्लास ले रहे हैं या कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर बाहर से कोई आवाज़ आती है, ऐसी एक्सटर्नल वॉइसेस जो हमको सीखने में बाधा उत्पन्न करती है या जो चीज़ें हमारे ध्यान को भटकाती है, तो ऐसी चीज़ें होती है नॉइस पोल्यूशन। सेकेंड है इलेक्ट्रिसिटी, लेक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग किसी चीज़ को नहीं सीख पाते। जैसे अंधेरा हो जाए, डार्क हो जाए, हम लोग क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अंधेरा हो जाए तो हम लोग पढ़ नहीं पाते, फिर हम लोग उठकर चले जाते हैं। बाद में जब वापस से लाइट आती भी है तो हम लोगों का वापस से पढ़ने में ध्यान नहीं रखता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। थर्ड होता है कोल्ड या विंटर, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा सर्दी के मौसम में भी हम लोग सीख नहीं पाते, चीज़ों के वो इधर उधर चले जाता है और हमारी बॉडी के ऊपर चले जाता है, इस वजह से हमारा जो सीखने के ऊपर ध्यान है वो हट जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमको सीखने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स जो हमको लर्निंग को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है पुअर्टी, पुअर्टी का मतलब होता है गरीबी। अगर गरीबी होगी तो लोगों का ध्यान सिर्फ कमाने के ऊपर होगा, फोकस सारा उनको अर्निंग के ऊपर होगा, हमारे घर को रनिंग करने के ऊपर होगा, तो ऐसे टाइम पर लोग ज़्यादा सीख नहीं पाते, ज़्यादा नई चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। इलिटरेसी, इलिटरेसी का मतलब होता है अशिक्षा, ज़्यादा अगर नॉलेज नहीं होगा, अच्छा ज्ञान नहीं होगा, अगर 12th का नॉलेज लेना है और अगर 10वीं तक की परीक्षा पास की है तो ऐसे टाइम पर उन लोगों को इलिटरेसी की बाधा बीच में उत्पन्न होती है। थर्ड होता है सुपरस्टिशंस, इसका मतलब होता है अंधविश्वास। अगर किसी को अंधविश्वास हो कि हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे तो हमको कल्चर प्रॉब्लम होगी या हमको और कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ लोग उस बाकी चीज़ों को इस वजह से नहीं सीख पाते हैं। आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स मतलब बाहर के लोग। ज़्यादातर हमारे समाज में ये समस्या होती है कि बाहर के लोग क्या बोलेंगे, लोगों को क्या कहना है, क्या सोचना है, इस कारण लोग बहुत सी चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, नहीं बहुत सी चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है कल्चर, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। संस्कृति जैसे कुछ धर्म के लोगों में कुछ नई बातें सीखने को नहीं अलाउ की जाती है, कुछ धर्म में कोई बातें सीखने को अलाउ नहीं की जाती है, इस तरीके से कल्चर हमारे लर्निंग के ऊपर बहुत बड़ा फैक्टर डालता है। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं जो लर्निंग को सीखने में हमको बाधा उत्पन्न करते हैं। आई थिंक इतना लर्निंग से रिलेटेड नॉलेज आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी रहेगा। सो फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा आपको चाहिए उसके बारे में आप हमको कमेंट करें। थैंक यू।